राजस्थान के जयपुर में वाहन की तेज स्पीड हादसे का कारण बनी है। आपको बता दें कि जयपुर में अजमेर एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार दो लड़कियां 100 की स्पीड में ऑडी दौड़ा रही थी। स्पीड के चक्कर में कंट्रोल नहीं रहा और एक युवक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि युवक रोड से करीब 30 फीट हवा में उछलकर पास के मकान की छत पर जा गिरा। उसका एक हाथ और एक पैर कटकर अलग हो गए। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार की टक्कर के बाद युवक उछलकर पास के मकान की छत पर गिरा। गिरने से उसकी मौत हो गई। हादसे में मारे गए युवक का नाम माडाराम था। वह पाली का रहने वाला था। जोधपुर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जयपुर आया हुआ था। परीक्षा शुक्रवार सुबह 9 बजे से थी। युवक मिशन कंपाउंड की तरफ से अजमेर रोड की तरफ जाने के लिए एलिवेटेड रोड से गुजर रहा था, लेकिन परीक्षा से करीब 1 घंटे पहले तेज रफ्तार कार ने उसकी जान ले ली। हादसे की सूचना मिलने पर माडाराम के परिजन जयपुर पहुंचे। उन्होंने एक्सीडेंट थाने में केस दर्ज करवाया। माडाराम के बड़े भाई प्रकाश ने बताया कि वे 4 भाई और 4 बहनें हैं। माडाराम जोधपुर से गुरुवार शाम ट्रेन में बैठा था और शुक्रवार सुबह ही जयपुर पहुंचा था। एयरबैग खुलने से कार में बैठी दोनों लड़कियों की जान बच गई। कार जाम होने के बाद वे बाहर आई और घर वालों को फोन किया। जो लड़की कार चला रही थी उसका नाम नेहा सोनी है, उम्र 35 साल है। साथ बैठी उसकी फ्रेंड का नाम प्रज्ञा है। कार सोनी हॉस्पिटल के मालिकों के नाम पर रजिस्टर है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद प्रज्ञा की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार की टक्कर से सड़क पर लगा बिजली का पोल उखड़ गया और नीचे अजमेर रोड पर जा गिरा। उस वक्त वहां से कोई व्हीकल नहीं गुजर रहा था, नहीं तो एक और बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।